लास्ट वीडियो हमारा थोड़ा सा इनकम्प्लीट रह गया था, क्योंकि मोर देन 30 मिनट्स के वीडियो ही कैप्चर हो सकते हैं एट ए टाइम। तो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि क्या हम कर रहे थे अभी। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पोजिशन और मोमेंटम को एक साथ डिटरमाइन नहीं कर सकते, इसकी वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू एच हो सकती है एक्स के लिए, वाई के लिए और जेड के लिए भी। तो इसी तरीके से अगर हम डी टाउ निकालें, ठीक है, स्मॉल वॉल्यूम, तो टोटल पोजिशन इंटू में मोमेंटम दैट शुड ऑल्सो बी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच, ठीक है, क्योंकि एक्स के लिए भी, पी के लिए भी, वाई के लिए भी, जेड के लिए भी इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू एच है। एक्स वाई जेड इन सब के लिए भी इसकी वैल्यू एच क्यूब के ग्रेटर देन और इक्वल टू हो जाएगी, ठीक है। एक के लिए एच है तो तीनों के लिए एच क्यूब हो गया, तो इट कैन नॉट बी लेस देन एच क्यूब। अब अगर हम साइज ऑफ सेल की बात करें, ठीक है, तो ये साइज ऑफ सेल आ गया हमारे पास क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग, कि जैसे हमने आर्टिकल का नाम था साइज ऑफ द सेल, तो वो साइज ऑफ द सेल एच क्यूब से लेस नहीं हो सकता क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर। अगर हम टोटल नंबर ऑफ सेल निकालना चाहें किसी फेज स्पेस में, तो टोटल वॉल्यूम कितना है फेज स्पेस का और एक का वॉल्यूम कितना है उससे डिवाइड कर देंगे, तो नंबर ऑफ सेल आ जाएंगे हमारे पास। टोटल वॉल्यूम क्या था, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी एक्स वाई जेड के लिए, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी पी एक्स टी पी वाई डी जेड के लिए, ठीक है। और अगर इन तीनों को और इन तीनों को अलग अलग करके लिख दें अपॉन में डी टाउ स्मॉल वॉल्यूम, ठीक है, तो डी एक्स की डी वाई डी जेड टोटल वॉल्यूम बन गया, डी पी एक्स डी वाई डी टाउ से रिप्रेजेंट हो गया एंड दैट इज टाउ। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ शेल आ गए हैं, नंबर ऑफ शेल। तो क्वांटम मैकेनिक्स के हिसाब से इसकी वैल्यू एच क्यूब से लेस और इक्वल टू होनी चाहिए, लेकिन अगर हम क्लासिकल मैकेनिक्स की बात करें तो दैट कैन अप्रोच इज टू जीरो, जीरो के अप्रोच हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा साइज ऑफ द सेल हमने डिटरमाइन कर लिया है, ठीक है। जब साइज ऑफ द सेल डिटरमाइन कर लिया है, तो अब इस आर्टिकल को लिंक करते हैं हम नंबर ऑफ फेज स्पेस शेल इन द गिवन मोमेंटम इंटरवल। यानी कि हमने डिवीजन ऑफ फेज स्पेस इनटू कंपार्टमेंट्स एंड शेल्स, ठीक है। सबसे पहले तो हमने फेज स्पेस को पढ़ा कि फेज स्पेस होता क्या है, ठीक है। फिर हमने इसका वॉल्यूम फाइंड आउट किया कि वॉल्यूम क्या होता है फेज स्पेस का, कितना वॉल्यूम हो सकता है किसी भी फेज स्पेस के अंदर। वॉल्यूम फाइंड आउट करने के बाद हमने क्या करा कि इस फेज स्पेस को डिवाइड कर दिया कंपार्टमेंट्स के अंदर, कंपार्टमेंट्स वन, कंपार्टमेंट टू, कंपार्टमेंट थ्री, कंपार्टमेंट फोर, जैसे कि एक ये कंपार्टमेंट हो गया, ये सेकंड कंपार्टमेंट, ये थर्ड कंपार्टमेंट और ये फोर्थ कंपार्टमेंट। अब हम इन कंपार्टमेंट्स को नंबर ऑफ शेल्स के अंदर डिवाइड करेंगे, दिस आर द शेल्स, ठीक है। ये नंबर ऑफ शेल्स कितने हो सकते हैं ये हमने निकालना है, एक कंपार्टमेंट के अंदर, दूसरे के अंदर या तीसरे के अंदर। तो सबसे पहले फेज स्पेस पता लगाया हमने क्या होता है लास्ट वीडियो में, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम इसका कितना हो सकता है, फिर एक चीज और पता लगाई हमने कि जो हम फेज स्पेस है उसको कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहे हैं और फिर उन कंपार्टमेंट को शेल्स में डिवाइड कर रहे हैं। जैसे अगर ये एक कंपार्टमेंट है तो हमने इसको नंबर ऑफ सेल्स में डिवाइड कर दिया है, और अभी हमने ये देखा कि इसका साइज कितना हो सकता है, साइज ऑफ द सेल कितना हो सकता है, यानी कि एच नॉट क्यूब तो था क्लासिकल में और
ग्रेटर देन इक्वल टू एच क्यूब क्वांटम के अंदर, ठीक है। ये इसका साइज हो सकता है, किसका, इस शेल का साइज कितना हो सकता है कंपार्टमेंट के अंदर जो सेल्स है, ठीक है। एक वर्ड और आ जाता है, कई बार एक नंबर के लिए पूछ लेते हैं इसको, ऑक्यूपेशन इंडेक्स। इट इज डिफाइंड एज द, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ पार्टिकल, नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, पर यूनिट सेल इज कॉल्ड ऑक्यूपेशन इंडेक्स, ठीक है। क्या है, नंबर ऑफ पार्टिकल एक सेल में कितने हैं उसको हम ऑक्यूपेशन इंडेक्स से लिख सकते हैं। अब देखो फेज स्पेस, उसका वॉल्यूम, फिर वो फेज स्पेस को कंपार्टमेंट में डिवाइड करा, फिर उसको सेल्स के अंदर डिवाइड कर दिया। जो सेल्स हैं इसको जनरली हम जी से रिप्रेजेंट करेंगे, जितने भी नंबर हैं तो जी आई उसका नंबर आ जाएगा सेल्स के लिए। तो नंबर ऑफ पार्टिकल ये हो गए हमारे पास, मान लिया ये कंपार्टमेंट है, इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, लेकिन ये कंपार्टमेंट्स में नहीं है, ये किस में है, ये सेल्स के अंदर है। ये छोटे छोटे सेल्स हमारी हैं, इन सेल्स के अंदर पार्टिकल्स हैं। तो जब हमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल ले लेंगे, देन इट बिकम्स ऑक्यूपेशन इंडेक्स। और इसकी डेफिनेशन के हिसाब से ऑक्यूपेशन इंडेक्स बिकम्स इक्वल टू एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ शेल्स जी आई, ठीक है। तो ये अब याद रखना है, एन आई नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो सकते हैं आईएथ में, और जी आई का मतलब जी आईएथ सेल से है हमारा। अब हम ये पता लगाना चाह रहे हैं कि किसी एक फेज स्पेस में कंपार्टमेंट होते हैं, कंपार्टमेंट में सेल हो सकते हैं, तो एक फेज स्पेस में कितनी शेल्स हो सकते हैं वो हमें पता लगाना है। और नेक्स्ट आर्टिकल इज नंबर ऑफ शेल्स इन गिवन मोमेंटम इंटरवल। ठीक है, नंबर ऑफ शेल्स की बजाय इसको आप फेज सेल का नाम भी दे सकते हैं, फेज सेल इन ए गिवन मोमेंटम इंटरवल, ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास, लेट अस कंसीडर, मोमेंटम है उसका इंटरवल, मोमेंटम इंटरवल है पी एंड पी प्लस डी पी, पहले पी था और चेंज हो गया P प्लस डी पी। तो यहां से यहां चेंज होने में, क्योंकि देखो हमारे पास एक कंटेनर है उसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स एक दूसरे के साथ और वॉल्स के साथ कोलाइड कर रहे हैं। तो पहले जब वो कोलाइड नहीं कर रहा उसका मोमेंटम P, कोलाइड करने के बाद मोमेंटम चेंज हो गया, तो जितना चेंज हुआ है उस मोमेंटम में कितने शेल्स आ सकते हैं, वी हैव टू बी फाइंड दिस, ठीक है। तो P और DP के बीच में, यानी मोमेंटम इंटरवल के बीच में कितने फेज सेल, नंबर ऑफ फेज सेल्स हो सकते हैं वो हमने निकालना है। तो सबसे पहले वी हैव डिवाइड फेज स्पेस था ये पूरा, इसको किस में डिवाइड किया, इनटू कंपार्टमेंट्स, इनटू कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। एंड शेल्स, ठीक, कंपार्टमेंट में डिवाइड करा और फिर कंपार्टमेंट को सेल्स में डिवाइड कर दिया। देन द नंबर ऑफ फेज सेल इन
मोमेंटम इंटरवल, मोमेंटम इंटरवल कितना है पी एंड पी प्लस डी पी, इस मोमेंटम इंटरवल में नंबर ऑफ फेज सेल विल बी इक्वल टू इज इक्वल टू रेशियो ऑफ किसके बराबर होगा अवेलेबल वॉल्यूम, अवेलेबल वॉल्यूम इन इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी टू द वॉल्यूम ऑफ ईच शेल। ठीक है, हमारे पास टोटल फेज स्पेस कितना है, उसका वॉल्यूम कितना है, और उसको एक वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ शेल्स मिल जाएंगे। ठीक है, देखो टोटल वॉल्यूम ये है हमारा, और एक शेल का वॉल्यूम हमें मिल जाए तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसके अंदर कितने नंबर ऑफ शेल्स हैं। ठीक है, टू टोटल वॉल्यूम को एक के वॉल्यूम से डिवाइड कर दो तो नंबर मिल जाएंगे हमें, दैट इज इफ नंबर ऑफ शेल्स को हमने जी से डिनोट किया था, नंबर ऑफ फेज शेल इन इंटरवल इज गिवन बाय जी पी, शेल्स को जी से डिनोट करना है, जैसे अभी यहां लिखा था ना जी आई, तो दैट इज जी पी, किस इंटरवल में है ये, पी प्लस डी पी के इंटरवल में। ठीक है, देन जी पी डी पी इंटरवल में नंबर कितने हो जाएंगे इसकी वैल्यू, अवेलेबल वॉल्यूम अवेलेबल वॉल्यूम इन इंटरवल पी एंड पी प्लस डी पी डिवाइडेड बाय एक का कितना है वॉल्यूम ऑफ ईच फेज शेल, एक फेज शेल का कितना, और अवेलेबल वॉल्यूम कितना होता है, वॉल्यूम हम फाइंड आउट कर चुके हैं पहले, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी पी एक्स या डी एक्स लिख लेते हैं इसको, डी एक्स डी वाई डी जेड, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड, टोटल वॉल्यूम। ठीक है, लास्ट आर्टिकल में फाइंड आउट करा, और एक का वॉल्यूम कितना है हम फाइंड आउट कर चुके हैं, दैट इज एच नॉट क्यू, दैट वाज द वॉल्यूम ऑफ या साइज ऑफ सिंगल सेल। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एच क्यूब हो जाएगा, और क्लासिकल के अकॉर्डिंग एच नॉट क्यूब हम लेकर के उसको चल रहे हैं। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, जी पी डी पी दिस इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम है, और वॉल्यूम को हम वी से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ट्रिपल इंटीग्रेशन डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड एंड दैट इज एच नॉट। अब इसको थोड़ा सा समझने के लिए हम क्या करते हैं कि डी पी एक्स डी पी वाई डी पी जेड एक स्फेरिकल शेल की शेप में ले रहे हैं, ठीक है, और इसको मान लेते हैं कि एक हमने रेडियस लिया पी, और उसकी हेल्प से एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया जिसका रेडियस पी है, ये एक स्फीयर ड्रॉ कर दिया, और एक हमने लिया पी प्लस डी पी, दैट इज पी प्लस डी पी, एंड इसको भी हमने एक सेंटर ओ से ही
रिप्रेजेंट कर दिया है। तो पहले तो हमने पी रेडियस लेकर के एक स्फीयर ड्रॉ करा, फिर रेडियस लिया पी प्लस डी पी, फिर दूसरा हमने ड्रॉ कर दिया। इस इंटरवल के बीच में ये पोजीशन रह गई हमारी, दिस इज द, तो इस इंटरवल में नंबर ऑफ शेल्स को हमने पता लगाना है कि कितने होंगे। ठीक है, और जब हम इसके अंदर नंबर ऑफ शेल्स को पता लगाना चाहते हैं तो मैंने यहाँ डी पी एक्स, डी पी वाई और डी पी जेड लिखा है, तो दैट कैन बी रिटन एज डी पी एक्स, डी पी वाई एंड डी पी जेड। दिस इज इक्वल टू व्हाट? वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस पी प्लस डी पी माइनस वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विद रेडियस पी, यानी कि बड़े स्फीयर में से छोटे स्फीयर का वॉल्यूम फाइंड आउट कर देंगे तो ये बीच का इंटरवल हमारे पास आ जाएगा, एंड दैट इज नथिंग बट आवर वॉल्यूम ऑफ मोमेंटम। तो बड़े स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाएगा हमारे पास? 4/3 πr, कितना है? p प्लस डी पी का क्यूब। छोटे का कितना है? 4/3 π और p क्यूब। सॉल्व कर देते हैं इसको, 4/3 π कॉमन ले लिया, ठीक है, इसको सॉल्व कर दिया, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू में a प्लस b, ए प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला, माइनस में पी क्यूब एज इट इज, पी क्यूब से पी क्यूब यहां पर कैंसिल हो रहा है। अब जो मोमेंटम है उसकी पावर डी पी की पावर क्यूब में है और डी पी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो जो पावर क्यूब में होगी वो और भी ज्यादा स्मॉल हो जाएगी, सो वी कैन नेग्लेक्ट दिस वैल्यू। ठीक है, neglecting the power, higher power, we get neglecting the term of higher power of dp, इसको neglect कर सकते हैं, और जब इसको higher power को neglect करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ हमारे पास? This one, 4/3 π इंटू में 3 मल्टीप्लाई कर देते हैं 3p का स्क्वायर इंटू में dp। ठीक है, जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे देन वी गेट 4/3 π dp स्क्वायर इंटू में dp, क्योंकि dp का स्क्वायर भी करेंगे तो भी नेगलेक्ट हो जाएगा, तो एक तो ये नेगलेक्ट हो गया, एक dp का स्क्वायर को भी नेगलेक्ट कर दिया। तो दिस वाज द just what is this, this is the dpx, dpy and dpz। तो हमारे पास number of shells की value कितनी आ जाएगी? v तो हमारे पास हो गया, इसकी value कितनी आ गई? this one, and it is divided by this, so gp dp this is equal to v into 4/3 π v square dp upon में h not q, and these are the number of shells in a phase space। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी किसकी आ गई? नंबर ऑफ शेल्स की आ गई फेज स्पेस के अंदर कितने हैं। तो जितना भी ये सेकेंड यूनिट का काम हुआ है इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से करें, लिंक है थोड़ा सा फर्स्ट यूनिट में, फेज स्पेस, फेज स्पेस को समझना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए वीडियो को जो है ध्यान से देखें, नहीं समझ में आता पूछ सकते हैं आप, और फिर भी अगर क्लियरेंस नहीं है तो आप जो है वो मैसेज करके आप टॉपिक वाइज उसको क्लैरिफाई कर सकते हैं। मैंने कोशिश करी है थोड़ा सा आपको समझाने की, कि होप आप सभी को जो है ये चीज़ समझ में आएगी, लेकिन समझ में तब आएगा जब आपको फेज स्पेस स्टार्टिंग से समझ में आ रहा हो। थोड़ा सा स्लो चल रहे हैं, पॉइंट्स को लिख करके चल रहा हूँ मैं, इसीलिए वीडियो भी थोड़ी लेंथी हो रही है।
ओके, आज के लिए इतना ही।